कोलवा गोवा के सलसेट डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जो कि टूरिस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज यहां पर बहुत सारे खूबसूरत साइट्स एंड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं एंड इन्हीं में से एक फेमस स्पॉट है कोलवा बीच। और साल 2018 में इस बीच पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गोवा को झकझोर कर रख दिया था। सो लेट्स डाइव इनटू अवर टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड बाप्टिस्टा डी कोस्टा। बाप्टिस्टा मिगेल डी कोस्टा, जिनकी उम्र तकरीबन 53 ईयर्स थी, कोलवा के एक रिस्पेक्टेड रेसिडेंट थे। वो शादीशुदा थे एंड वो कोलवा में ही अपनी पत्नी संतना के साथ रहते थे। एंड जैसे कि गोवा में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है कि आपको कोई भी स्कूटर या बाइक अगर किराए पर लेना हो तो बहुत आसानी से ये ले सकते हैं, जो कि मेनली टूरिस्ट लेते हैं ताकि वो गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो ठीक ऐसा ही बाइक रेंट पे देने का काम बाप्टिस्टा डी कोस्टा किया करते थे। उनके पास लगभग 17 बाइक्स, 2 टैक्सीज, 1 स्विफ्ट गाड़ी एंड 1 ओमनी वैन थी। डी कोस्टा का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, ही वॉज अर्निंग प्रीटी वेल। उसके आसपास के लोग एंड उसके दोस्त भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे बिकॉज ऑफ हिज नेचर। ही वॉज अ कूल, वेल बिहेव्ड एंड रिस्पेक्टेड गाय। बट उसकी एक आदत थोड़ी बुरी थी एंड वो ये कि वो बिना घर पे किसी को बताए कई कई बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए चला जाता था एंड रात रात भर वापस नहीं आता था, जो कि उसकी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन ये चीज़ कभी कभार होती थी, रोज़ रोज़ नहीं होती थी, जिस वजह से इस बात का भी उनके बीच कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डी कोस्टा एंड उसकी वाइफ की लाइफ काफ़ी स्मूथ जा रही थी, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था उनके बीच। बट इन 2017 डी कोस्टा एक लड़के के कॉन्टैक्ट में आता है जो कि उनकी स्मूथ चल रही लाइफ में तूफान लाने वाला था। ये लड़का था 21 साल का अमन गोपाल कावित्या, क्योंकि था तो एक गुजराती बट ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। काम की तलाश में वो कुछ ही साल पहले गोवा आया था एंड यहाँ वो एक ड्राइवर की जॉब कर रहा था एंड अपना गुजारा करने लायक इनकम उसे हो जाती थी। बट उसे भी शराब पीने की बहुत बुरी लत थी एंड इसको पूरा करने का उसके पास कोई जरिया नहीं था। एंड दैट्स व्हेन ही मेट बाप्टिस्टा डी कोस्टा। क्योंकि वो दोनों सेम ही एरिया में रहते थे तो अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी एंड एज टाइम पास्ट दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। एंड इतने गुड फ्रेंड्स कि डी कोस्टा अपने बाकी दोस्तों के साथ साथ अमन को भी अपने साथ शराब पीने के लिए इन्वाइट करने लगा था एंड ऐसा उसने एक नहीं बल्कि कई बार किया था। अमन को भी ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी भी जो शराब की नीड थी वो पूरी होने लगी थी। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। बट एक दिन जब अमन डी कोस्टा और उसके दोस्तों के बुलाने पर उनके साथ शराब पीने के लिए पहुंचता है तो उसे एक ऐसे सीक्रेट का पता चलता है जिसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट डे के बाप्टिस्टा डी कोस्टा, उसका दोस्त जो कि एक शादीशुदा आदमी था, ही वॉज बाइसेक्सुअल, मतलब उसे लड़कों और लड़कियों दोनों में इंटरेस्ट था। एंड उसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि डी कोस्टा के अपने उन्हीं दो दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठकर वो काफ़ी टाइम से शराब पीता रहा था, उन्हीं के साथ उसके फिजिकल रिलेशंस थे। ये इन्फॉर्मेशन अमन के लिए काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी नई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब चल क्या रहा था। बट इन सब चीज़ों के बाद भी उन्होंने साथ में बैठकर उस दिन शराब पी और बाद में अपने अपने घर चले गए। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद डी कोस्टा को अमन रास्ते में मिलता है तो वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए बोलता है। अमन पहले तो उसे मना कर देता है बट फिर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो डी कोस्टा की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। बट जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं तो डी कोस्टा अमन के सामने एक ऑफर रखता है एंड वो ये कि अगर अमन भी उसके बाकी फ्रेंड्स की तरह उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बना ले तो उसे ईच टाइम ऐसा करने पर अच्छे खासे पैसे देगा। अमन यह बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत उस गाड़ी को रुकवा कर वहाँ से चला जाता है। बट थोड़े टाइम के बाद ही अमन का माइंड चेंज होने लगता है एंड वो सोचने लगता है कि अगर उसे ऐसा काम करने के पैसे मिल रहे हैं तो इससे उसे भला क्या दिक्कत हो सकती है। एंड फ्रॉम दैट डे वो भी बाप्टिस्टा के फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है एंड हर बार ऐसा करने पर डी कोस्टा उसे अच्छे खासे पैसे दे देता था और ये सब काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। बट कुछ टाइम के बाद डी कोस्टा स्टार्ट्स ब्लैकमेलिंग अमन। वो अमन को अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ तो करता था बट उसे पे नहीं करता था और अगर अमन उसके बुलाने पर आने से मना करता तो डी कोस्टा उसे धमकाने लगता कि वो इन सब के बारे में सबको बता देगा, जहां वो काम करता है वहां भी और उसकी फैमिली को भी, जिससे अमन की बहुत बदनामी होगी। अमन ये सब सुन के बहुत डर जाता है एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो वैसा ही करता है जैसा डी कोस्टा उसे करने बोलता था। और डी कोस्टा का ये टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अमन के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसने डी कोस्टा से रिश्ता तोड़ा तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बार बार ये चीज़ें सोचकर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था एंड एंड में उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है डी कोस्टा से छुटकारा पाने का। ही डिसाइड्स टू किल हिम। वो उसी दिन मार्केट जाता है और वहाँ से एक चाकू खरीद कर अपने पास रख लेता है एंड सही टाइम आने का इंतज़ार करने लगता है।
और ये सही टाइम आता है 20 जनवरी 2018 को। इस दिन वो डिकॉस्टा को कॉल करके उसे कॉलवा में ही लवर्स बीच के पास बुलाता है ताकि वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। देन वो एक शॉप पर जाकर डिकॉस्टा की फेवरेट बियर की 2 बोतलें खरीदता है। शाम को डिकॉस्टा अपनी ओमनी वैन में उस लवर्स बीच में पहुंच जाता है। वो दोनों साथ में बैठकर वहां शराब पीते हैं एंड देन डिकॉस्टा और अमन इंटीमेट होने लगते हैं। एंड इसी बीच अमन वो चाकू उठाता है एंड डिकॉस्टा की गर्दन पर वार कर देता है। इसके बाद वो कई और बार उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है। डिकॉस्टा को मारने के बाद वो वहां से भागने की बजाय उल्टा उसकी बॉडी पर मौजूद सभी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स उतारने लगता है। उसकी कुछ रिंग्स एंड उसके गले में जो सोने की चेन थी वो उतार लेता है। एंड इसके अलावा भी डिकॉस्टा के पास उस दिन 10,000 कैश था एंड ये सब निकाल कर वो वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन जब डिकॉस्टा घर नहीं पहुंचता तो उसकी वाइफ को चिंता होने लगती है। वो इस बारे में अमन से कॉल करके पूछती है बट अमन बोल देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो अमन को ही अपने साथ ले जाकर कोलवा पुलिस स्टेशन में डिकॉस्टा की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देती है एंड उसी दिन ही पुलिस को डिकॉस्टा की बॉडी लवर्स बीच के पास हाफ नेकेड हालत में पड़ी हुई मिलती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने पर उन्हें बड़ी ही आसानी से अमन के उस दिन डिकॉस्टा के साथ होने के सबूत मिल जाते हैं एंड दे कन्फर्म्ड हिम। पहले तो अमन इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर देता है बट जब पुलिस उसको वो सीसीटीवी फुटेज एंड उसके मोबाइल की लोकेशन के बारे में बताती है तो अमन रियलाइजेस कि अब उसका बचपाना मुश्किल था एंड ही कन्फेसेस हिज क्राइम। सो विद इन 48 आवर्स पुलिस इस केस को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लेती है एंड देन ये केस कोर्ट में चला जाता है। काफी टाइम तक सेशंस कोर्ट में ये केस चलता रहता है एंड फाइनली कोर्ट अमन को उसके किए के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 1,00,000 रुपए का फाइन लगाती है। कोर्ट के इस डिसीजन से डिकॉस्टा की फैमिली को कुछ राहत मिली थी। डिकॉस्टा का कातिल अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा बट 2022 बॉम्बे हाईकोर्ट इस जजमेंट को ही क्वेश कर देती है एंड द केस इज स्टिल समवेयर लाइंग इन द फाइल्स। अमन एक बेल बॉन्ड भर के बेल पर कब का बाहर आ चुका। सो दिस वॉज अवर केस। आई नो द एंडिंग वॉजंट गुड बट लेट्स होप दैट द जस्टिस विल बी सर्व वन डे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू चेक आउट अवर अदर वीडियोज एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड फिर मिलेंगे।